Hello everyone, my name is Mubin Sheikh and welcome to the EduColai platform, and I am going to teach you biological classification. So biological classification, इसके टारगेट एस्पिरेंट होंगे नीट के स्टूडेंट्स, जो भी नीट के स्टूडेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो, ठीक है। सो व्हाट इज मीन बाय बायोलॉजिकल? सो बायोलॉजिकल मतलब लिविंग, ठीक है। बायोलॉजिकल मतलब क्या? लिविंग। और क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुपिंग, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग। सो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है कि डेफिनेशन, ठीक है। सो डेफिनेशन में एक्चुअली क्या क्या कहते हैं कि साइंटिफिक प्रोसीजर फॉर ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो भी साइंटिफिक प्रोसीजर होंगी उसको हमको एनिमल्स को क्या करना है, ग्रुप्स में डिवाइड करना है। प्लांट्स को क्या करना है, ग्रुप्स में डिवाइड करना है। बैक्टीरिया को क्या करना है, ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ठीक है। सो उसको ही हम क्या बोलते रहे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत है, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत है, ठीक है। अभी देखो कि फॉर एग्जाम्पल एक कोई भी रूम है, ठीक है। उस रूम में बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड एनीथिंग, बहुत सारे बुक्स है एक्चुअली, ठीक है। सो आपको मैंने कहा कि आप फिजिक्स की बुक क्या यहाँ पे इस रूम में रखी हुई है, आप जाके लाइए, ठीक है। सो आपको फाइंड आउट करने में बहुत दिक्कत आ सकती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो बुक्स है वो एक साथ है, ठीक है। अगर मैंने ऐसा कहा कि एक कोई भी एक रूम है वहाँ पे इस चैम्बर में बायोलॉजी की बुक रखी हुई, आप वहां से ले लीजिए, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का यही है कि हमको स्टडी करने के लिए जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एजी जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। सो उसके बाद देखो कि हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे करते हैं। सो इट इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे कि जो भी सिमिलर सिमिलर है उसको हमने एक ग्रुप में डाल दिया, जो भी डिसिमिलर डिसिमिलर है उसको अलग अलग कर दिया, ठीक है। सो ये उसका मोटो है, राइट। नाउ टू प्लेस द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन टू टैक्सोनॉमिक हिरार्की, ठीक है। वॉट इज मीन बाय टैक्सोनॉमिक हिरार्की? सो टैक्सोनॉमिक हिरार्की मतलब किंगडम, ठीक है। उसके बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक है। फैमिली, जो जीनस वो है उसको क्या बोलते हैं हम, टैक्सोनॉमिक हिरार्की। सो हमको टैक्सोनॉमिक हिरार्की में रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो देखो कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी एनिमल ही है, ठीक है, किंगडम एनिमल ही है। उसके बाद उसका फाइलम है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी, ठीक है। फाइलम जो भी होगा पोरीफेरा है, ठीक है। पोरीफेरा का कोई भी क्या होगा, अभी क्लास होगा, उसके ऑर्डर होंगे, उसके फैमिलीज होंगे, ठीक है। सो इस तरह से हमको उस स्पेसिस तक जाने के लिए, या हम उसको बोल सकते हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, या पर्टिकुलर प्लांट को, या पर्टिकुलर एनिमल्स को हमको स्टडी करने के लिए हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब उसके बाद एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम उसको मानते हैं, ठीक है। सो इट इज अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। क्या रे? अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। ये जब स्टार्ट हुआ था, कि जब ह्यूमन सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ था, एक्चुअली ये जब अर्लियस्ट क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सो मेनी अटेम्प्ट्स आर परफॉर्म टू क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे अटेम्प्ट्स क्लासिफाई आई मीन परफॉर्म किए गए एनिमल्स को, या प्लांट्स को, या ऑर्गेनिज्म को हम बोल सकते हैं इजिली, तो उसको आई मीन ये करने के, क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है। नाउ नाउ नेक्स्ट पॉइंट कि दीज क्राइटेरिया वॉज नॉन साइंटिफिक, ये क्राइटेरिया पूरे के पूरे नॉन साइंटिफिक थे। कैसे नॉन साइंटिफिक? क्योंकि कोई भी आके हाइपोथेटिकल दे देते था, कोई भी हाइपोथेटिकल व्यू रख देते था और ऐसा बोलता था कि हाँ ये क्लासिफिकेशन ऐसा होगा, ये क्लासिफिकेशन ऐसा होगा, लेकिन ये साइंटिफिक था क्या रे? नहीं। सो अर्लियर क्लासिफिकेशन में नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था, ठीक है। सो अभी नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे? तो एनसीईआरटी ने कहा है कि इट इज बेस्ड ऑन फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स, ठीक है। जैसे जैसे हमको फूड की, शेल्टर की और क्लोथ्स की जरूरत पड़ती गई, वैसे वैसे हमने क्या करते करते गए रे, उसका क्लासिफिकेशन करते गए, ठीक है। सो अर्लियर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन व्हाट? सो इट इज बेस्ड ऑन, सो इट इज बेस्ड ऑन, सो फूड, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स, ठीक है, एंड क्लोथ्स, क्लियर है, राइट। अब उसके बाद एक साइंटिस्ट था जिनका नाम है एरिस्टोटल, आपने नाम सुना होगा बहुत बार, ठीक है। सो एरिस्टोटल एक ऐसा फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के बारे में कहा था, ठीक है। अभी तक देखो
अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमने नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे अब एरिस्टोटल आया था, और एरिस्टोटल ने फर्स्ट ऐसा साइंटिस्ट थे, फर्स्ट साइंटिस्ट, आई अपोलोजाइज, ओके, फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेव, और वी कैन से हु सेड अबाउट व्हाट, हु सेड अबाउट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के बारे में कहा था, ठीक है, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। अब इन्होंने एक्चुअली क्या किया था, प्लांट्स को और एनिमल्स को क्लासिफाई किया था, ठीक है। ही क्लासिफाई द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, दो तरह में इन्होंने बांट दिया था प्लांट्स में और एनिमल्स में, किसने रहे, एरिस्टोटल ने, ठीक है। सो पहला क्या, प्लांट्स, और दूसरा एनिमल्स, ठीक है, दूसरा एनिमल्स। अब एक्चुअली उन्होंने एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी एक्चुअली आई मीन और कैटेगरी में डिवाइड कर लिया था, ठीक है। सो प्लांट्स को उन्होंने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लिया था, ठीक है, एक है हर्ब, ठीक है, हर्ब, उसके बाद है श्रब, और उसके बाद थर्ड वन है ट्री, ठीक है। ऐसे तीन कैटेगरी में उन्होंने प्लांट्स को डिवाइड कर लिया था और वी कैन से क्लासिफाई कर लिया था, ठीक है, और एनिमल्स को उन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया था, ठीक है, जिसके पास आरबीसी प्रेजेंट है और जिसके पास आरबीसी प्रेजेंट नहीं, इसको ऐसा उन्होंने कहा था, ठीक है। सो हु हैव आरबीसीज, ठीक है, जिसके पास आरबीसीज है और जिसके पास आरबीसी एब्सेंट है, इसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया था रे, क्लासिफाई किया था, किसने रे, एरिस्टोटल जी ने, ठीक है। अब एरिस्टोटल, जिसके पास आरबीसी है उसको हम बोलते थे इनेमा, क्या बोलते थे, इन ए मा, और जिसके पास आरबीसी एब्सेंट थी उसको हम बोलते थे एनेमा, क्या बोलते थे, एनेमा, ठीक है। सो एनेमा, क्लियर है। तो ये था हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन, ठीक है। हम हर एक लाइन डिस्कस करने वाले इस चैप्टर में, हर एक तुम्हारा एक एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट छूटने नहीं वाला है, ठीक है। सो यू कैन स्टे विथ मी, एंड दिस इज एक्चुअली फर्स्ट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। सो स्टे विथ मी, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में ही दिया हुआ है, बस उसके आगे वाला है, ठीक है। देखो, किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में फाइव टाइप्स के किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है, फाइव टाइप्स के, हाँ, ये फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अलग है, ठीक है। देखो, फाइव टाइप्स के मतलब क्या, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अभी देखो, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था 1758 में, 1758 में, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था 1866 में, फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था 1956 में, और फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था 1969 में, ठीक है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अभी देखो, एनसीईआरटी में टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। सो सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एनसीईआरटी में थ्री डोमेन बोल के दिया हुआ है, ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले इसको डिटेल में। अभी देखो, एनसीईआरटी में बस ये तीन ही पॉइंट दिए, टू टू किंगडम सिस्टम, फोर किंगडम सिस्टम और फाइव किंगडम, सॉरी टू किंगडम, फाइव किंगडम और सिक्स किंगडम। लेकिन अगर बात की जाए, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ए, ठीक है, सो ए और डी एक्चुअली एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ है, और बी और सी के बारे में डिस्कस नहीं किया हुआ है, ठीक है। सो ए आई पी एम टी में अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन आए तो बी और सी से आते हैं, मतलब क्या कि थ्री किंगडम और फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से आते हैं, ठीक है। सो अगर तुम एम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे, अगर ए आई पी एम टी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे देखोगे तो थ्री किंगडम और फोर किंगडम के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। सो जस्ट हम एनसीईआरटी पूरी के पूरी कवर करने वाले, और जस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम गैदर करने वाले, ठीक है। नाउ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये दिया था कार्ल लिनियस बोल के एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उन्होंने दिया था, और उन्होंने दो दो किंगडम में क्लासिफाई किया था, एक किंगडम प्लांटी और दूसरा क्या,
किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, जो किंगडम प्लांटी किंगडम एनिमेलिया। और उसके बाद थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, ये कब ना, ना 1866 में, ये किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल बोल के एक साइंटिस्ट था, क्या, अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, किंगडम प्लांटी किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, क्या रे, किंगडम प्रोटिस्टा। सो यहाँ पे इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा ऐड किया था, कौन सा, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। अभी एग्जाम वाले क्वेश्चन भी बताता हूँ किस किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो देखो, फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या, प्लांटी भी था, एनिमलिया भी था, प्रोटिस्टा भी अलग किया था, और किंगडम मोनेरा इन्होंने क्या किया था, अलग किया था। देखो, फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी तीन क्लासिफाई किए हुए थे और एक ही क्लासिफाई इन्होंने किया, मतलब क्या, किंगडम मोनेरा। कौन से, इसमें फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, किसने, कोपलैंड ने, कब, 1956 में, ठीक है, एग्जाम पॉइंट से देखो। राइट, नाउ नेक्स्ट, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये तो सबको पता है, 1969, आर एच विटेकर, ठीक है। सो इसमें क्या है कि प्लांटी है, एनिमलिया है, प्रोटिस्टा है, फंजा है, सॉरी मोनेरा है, और नेक्स्ट वन है फंजा, ठीक है। सो अगर एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल कि फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो किसने दिया था, आर एच विटेकर ने, ठीक है। सो फाइव किंगडम ऑफ सिस्टम अगर ऐसा पूछ ले, फॉर एग्जाम्पल, क्या फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या, क्या अलग किया गया था, तो क्या रे, किंगडम फंजाई, ठीक है। सो किंगडम फंजाई, ये इसको याद रखना। और सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम थ्री डोमेन सिस्टम भी बोल सकते हैं, राइट। अभी देखो, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जैसा का वैसा रखेंगे यहाँ पे, और उन्होंने बस क्या किया कि मोनेरा में से आर्किबैक्टेरी अलग किया। देखो, प्लांटी भी सेम है, एनिमलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई सब सेम है, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जैसा, राइट। बस उन्होंने सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या किया था, सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आर्किबैक्टेरिया को अलग कर दिया था, मतलब क्या, मोनेरा था, ठीक है, मोनेरा में क्या, यूबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, ठीक है, आर्किबैक्टीरिया को उन्होंने अलग कर दिया, क्यों, क्योंकि वो स्पेशल वन है, ठीक है। लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेबल अगर बोले जाए तो है फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्यों, कैसा, ये एक्चुअली हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है। सो देखो, ये था हमारा किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले, टू किंगडम कैसा है, थ्री किंगडम कैसा है, फोर किंगडम कैसा है, फाइव किंगडम कैसा है, थ्री डोमेन कैसा है, ठीक है, थ्री डोमेन या सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम नेक्स्ट देखेंगे टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कब आया था ये पता है, ठीक है, कब, 1758, किसने दिया था, कार्लिनियस ने। अब ये टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड था, ठीक है। सो इट इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। अब इन्होंने प्लांट्स को और एनिमल्स को किसके बेसिस के ऊपर क्या किया, डिवाइड किया, सो किसके ऊपर, प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। सो उन्होंने इस तरह डिवाइड किया कि जिसके पास भी सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट है, उसको हमने किसके किस ग्रुप में डाल दिया, किंगडम प्लांटी में, और जिसके पास भी सेल वॉल अब्सेंट है उसको हमने किस किस ग्रुप में डाल दिया, उसको किंगडम एनिमली में डाल दिया, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए एग्जाम्पल के बारे में, तो एग्जाम्पल क्या है, प्लांट्स है किंगडम एनिमली के, ठीक है, प्लांट्स, बैक्टीरिया, अल्गी, मोसेस, फर्न, फंजाई, ठीक है, हर तब, ठीक है, ये तब आते थे बैक्टीरिया, वो जब टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था तब बैक्टीरिया भी प्लांट्स में था, फंजाई भी प्लांट्स में था, ठीक है। सो उसके बाद क्या है, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, क्लोरेला, क्लैमेडोमोनस, ठीक है, स्पायरोगायरा, बीजीए, बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कब, किस में था, किंगडम प्लांटी में था, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल ऑब्सेंट है, जिसमें सेल वॉल ऑब्सेंट है उसको क्या बोले थे हमने, किंगडम एनिमालिया। सो किंगडम एनिमालिया में एनिमल्स, अमीबा और पैरामोसियम, ठीक है, सो ये भी आते थे, राइट। अब इसके लिमिटेशंस क्या थे, इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, ठीक है। सो देखो, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कब आया, 1758, किसने दिया, कार्लिनियस, और ये किसके ऊपर बेस्ड था, इट इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। सो जिसके पास भी सेल वॉल है उसको हमने क्या, क्या, क्या किस किंगडम में रख दिया, किंगडम प्लांटी में, और जिसके पास भी की सेल वॉल अब्सेंट है हमने उसको किस ग्रुप में रख दिया, किंगडम एनिमालिया में, ठीक है। सो अब इसके लिमिटेशंस थे, इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। सो इसको कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसके कुछ कमियां थे, वी कैन से। सो इस थ्योरी के देखो कि ड्रॉबैक्स और वी कैन से लिमिटेशंस, ठीक है। सो लिमिटेशंस, लिमिटेशंस और वी कैन से ड्रॉबैक्स, ठीक है। सो इस थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या थे, तो सबसे पहला कि
ही डज नॉट टेल अस अबाउट सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। सो सेल स्ट्रक्चर के बारे में क्या बता नहीं पाए थे, ठीक है। सो सेल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के बारे में बता नहीं पाए थे, इसका मतलब क्या कि प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ठीक है। सो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, राइट। उसके बाद क्या, तो उसके बाद वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में नहीं बता पाए थे, ठीक है। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक तो उसका एक रीजन हो सकता था, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद क्या कि उसके बाद उन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी नहीं बताया था, ठीक है। सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, इसके बारे में मैंने बताया था। इसका मतलब क्या कि उन्होंने यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर एक ही इसमें रख दिया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए एनिमल, एनिमल में क्या देखा था एग्जाम्पल में, किंगडम एनिमल में प्लांट एनिमल्स अमीबा पैरामोशियम, ठीक है। उसमें मतलब यू कह रहे उसमें मतलब क्या यूनिसेलुलर भी आए और मल्टी सेलुलर भी आए, ठीक है। सो एक ही कैटेगरी में रख दिया था इन्होंने, राइट। उसके बाद क्या फोर्थ वन कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बता नहीं पाए थे, ठीक है। सो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को ही हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। व्हाट इज मीन बाय इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब फॉर एग्जांपल अगर बात की एनिमल्स के बारे में बात की जाए तो क्या पोरिफेरा है, निडारिया है, टीनोफोरा है, प्लैटिहेलमिंथ, ये क्या है इनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, ठीक है। अगर प्लांट में अगर बात की जाए तो क्या अल्गी है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये इनका क्या है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, ठीक है। नाउ फिफ्थ वन कि उन्होंने केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, सेल के केमिकल कंपोजिशन के बारे में भी नहीं बताया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स में अलग है, बैक्टीरिया के अलग है, ठीक है। सो एनिमल्स के अंदर तो अब्सेंट है, राइट। सो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, देखो इसके लिमिटेशंस क्या थे। सबसे पहला क्या रहे कि ही डज नॉट, और वी कैन से ही डज नॉट टेल अस अबाउट सेल स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। नाउ सेकेंड वन क्या कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में मैंने बता पाए। थर्ड वन क्या कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसके बारे में मैंने बता पाए, मतलब क्या यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है इसके बारे में नहीं बता पाए, ठीक है ना। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसके बारे में भी एक्चुअली वो नहीं बता पाए थे। और क्या केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, राइट। अब इसके बाद हमको देखना है थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। नाउ नेक्स्ट वन थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कब आया था, 1866, ठीक है। किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने, ठीक है। एंड इट इज बेस्ड ऑन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिससे भी बॉडी उसकी बनी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो मतलब क्या मल्टी सेलुलर है क्या एंड यूनिसेलुलर है, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या किया कि जितने भी यूनिसेलुलर है उसको अलग किया, मतलब क्या देखो किंगडम प्लांट ही था, किंगडम प्लांट एनिमलिया था एज इट इज, उन्होंने एक नया ग्रुप ऐड किया, दैट इज व्हाट किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा क्या किया उन्होंने, ऐड किया। और ऐड करने का क्या मतलब था उनका, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनको एक स्पेशल किंगडम में डाल दिया, दैट इज व्हाट किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। सो किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो इन्होंने क्लोरेल लाए, ठीक है, हमने क्या किया प्लांटी में से यहाँ पे क्लोरेला, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में यहाँ पे क्लोरेला लिखा हुआ था, ठीक है। देखो यहाँ से क्लोरेला उठाया, इधर डाल दिया, ठीक है। सो क्लेमेटोगोनोस भी किधर आता था पहले टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, इधर मतलब किंगडम किंगडम प्लांटी में आता था, ठीक है। सो किंगडम प्लांटी में से उठा दिए और किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिए, क्यों, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है, ठीक है। और उसके बाद क्या बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया भी हम एनिमल्स में सॉरी प्लांट्स कंसिडर करते थे। सो प्लांट्स में से बैक्टीरिया उठा दिए और प्रोटिस्टा में रख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या अमीबा, अमीबा किस में आता था रे, एनिमल्स में, हम टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ते थे, ठीक है। सो वहां से उठा दिए और आई मीन प्रोटिस्टा में रख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या पैरामेशियम, पैरामेशियम किधर आता था, किंगडम एनिमल में आता था, ठीक है। सो किंगडम एनिमल में से उठा के किधर रख दिए रे, किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है। लेकिन इनकी एक गलती हो गई, ठीक है। वो गलती क्या थी कि इन्होंने इन्होंने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दोनों को साथ में रख दिया था। कैसे
कैसे? देखो यहाँ पे यू क्लोरेला क्या है? यू कैरेटिक। क्लाइमेटोबोनस क्या है? यू कैरेटिक। ठीक है, ये दोनों यू कैरेटिक है। और बैक्टीरिया आमीबा और पैरामोशियम ये क्या है रे? ये है प्रो कैरेटिक। ठीक है, सो इन्होंने क्या किया था, यू कैरेटिक और प्रो कैरेटिक दोनों को भी एक ही इसमें रख दिया था। ठीक है, सो इसका ड्रॉबैक्स और हम क्या बोल सकते हैं लिमिटेशन क्या था? सो इसका ड्रॉबैक्स और भी हम बोल सकते हैं लिमिटेशन। ठीक है, सो इसका लिमिटेशन ये था कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्लेस्ड टुगेदर। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स प्लेस्ड टुगेदर। सो ये उसका क्या था? उसका ड्रॉबैक्स था। ठीक है, इसके वजह से फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था। क्लियर है? देखो वापस से बताता हूँ, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, कब दिया था? 1866। सॉरी, सो 1866, राइट? सो ये किसके ऊपर बेस्ड था? इट इज बेस्ड ऑन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस्ड था। मतलब क्या, यूनिसेलुलर है क्या मल्टी सेलुलर है, राइट? सो देखो इन्होंने जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उसको अलग अलग कर दिया। किस में से? किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमली में से। ठीक है, सो देखो क्लोरेला और क्लाइमेटोमोनस किस में से अलग कर दिया? किंगडम प्लांटी में से अलग कर दिया और किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो यूनिसेलुलर है। और हम किंगडम प्रोटिस्टा किसके ऊपर बेस ले रहे हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने हैं वो भी किंगडम प्रोटिस्टा में ऐड कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या ऐड किया था रे उसमें? उसके अंदर हमने ऐड किया था अमीबा और पैरामोसियम। ठीक है, सो अमीबा पैरामोसियम और बैक्टीरिया। सो अमीबा और पैरामोसियम हमने कहां से लिया था? किंगडम एनिमल में से, राइट? सो ये देखो उसका फिर अब हमको ड्रॉबैक्स क्या पता चला कि इसके अंदर हमको हमको दोनों भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म साथ में मिल रहे थे। किसमें? किंगडम प्रोटिस्टा में। ठीक है, सो उसका ये ड्रॉबैक्स रहा। और उसके बाद हमको देखना है फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, नाउ नाउ नेक्स्ट वन, फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कोपलैंड ने। और कब दिया था? 1956 में। ठीक है, और ये बेस्ड था, इट इज बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब प्लांट्स की या एनिमल्स की या ऑर्गेनिजम्स की, कौन से भी ऑर्गेनिजम्स की, क्या सेल स्ट्रक्चर कैसी है या सेल टाइप कैसी है? ठीक है, क्या मतलब क्या कि प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? ठीक है, अभी देखो कि किंगडम प्लांटी जैसे कि वैसा है, किंगडम एनिमल भी जैसे कि वैसा है, और किंगडम प्रोटिस्टा भी जैसे कि वैसा है। और ऐड क्या किया इन्होंने अभी? ऐड किया किंगडम मोनेरा। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और वी कैन से सेल टाइप। ठीक है, सो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी थे उन्होंने क्या कर दिया? किंगडम मोनेरा में डाल दिया। ठीक है, सो किंगडम मोनेरा में क्या, अब क्या आएगा? अभी देखो कि बैक्टीरिया इसमें आया, ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसमें आया। ठीक है, सो बैक्टीरिया पहले किसमें था? प्रोटिस्टा में था। प्रोटिस्टा से उठा के हमने इधर डाल दिया, किसमें? किंगडम मोनेरा में डाल दिया। ठीक है, उसके बाद बीजीए। बीजीए मतलब क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी इससे पहले आता था किंगडम प्लांटी में, अब हमने उसको किंगडम प्लांटी में से उठाया और किंगडम मोनेरा में डाल दिया। ठीक है, अभी देखो लेकिन इसका एक ड्रॉबैक आया। ठीक है, इसका भी एक ड्रॉबैक आया कि इन्होंने एक्चुअली मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में नहीं कहा था फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। ठीक है, अभी देखो फॉर एग्जांपल क्या कि फंजाई क्या है? फंजाई है हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, प्लांट क्या है? प्लांट है आउटोट्रॉपिक। ठीक है, सो आउटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक दोनों भी एक ही ग्रुप में आ रहे थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। ठीक है, सो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है मतलब आउटोट्रॉपिक है या हेटरोट्रॉपिक है? आउटोट्रॉपिक है। मतलब क्या कि आउटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों भी उन्होंने एक ही इसमें रख दिए थे। ठीक है, सो इसका ये क्या आया था? ड्रॉबैक आया था। किसका? फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। किसने दिया था? ये दिया था कोपलैंड ने। ठीक है, कब दिया था? 1956 में। किसके बेसिस के ऊपर दिया था? सेल स्ट्रक्चर या सेल टाइप। ठीक है,
कौन सा ऐड किया था, ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। सो कौन सा ऐड किया था इन्होंने, किंगडम मोनेरा, किसके बेसिस के ऊपर, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बेसिस के ऊपर, ये हम बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सब अलग कर दिए थे, ठीक है, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी या बैक्टीरिया, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कब आया, 1969, ठीक है। किसने दिया, आर एच विटेकर, ठीक है। एंड इट इज बेस्ड ऑन, अब इसके कितने क्राइटेरिया थे देखो, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। अब देखो पांच क्राइटेरिया है, ठीक है, अभी कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से इंपॉर्टेंट नहीं मैं बताता हूँ। अभी देखो सबसे पहला क्या, सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर को हमने क्या बोलता, सेल टाइप, मतलब क्या प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए, राइट। सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, अलग अलग कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। उसके बाद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को ही हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। अभी देखो एग्जाम में ऐसा अगर क्वेश्चन आया कि फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पे ज्यादा बेस्ड था, ठीक है, सो इट इज बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, और वी कैन से सेल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। अगर अगर मॉडिफिकेशन करके अगर क्वेश्चन आया, मॉडिफाई करके अगर क्वेश्चन दिया, तो ये तीन क्राइटेरिया लिखना, ठीक है। अगर ये भी अगर ऑप्शन है तो इसको भी टिक कर देना, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया नहीं है लेकिन बाहर से क्वेश्चन आ सकता है, राइट। अभी देखो अब हम लोग इसका है ना एक डायग्राम अच्छे से देखते हैं, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी फटाक से। नाउ नेक्स्ट, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कब आया, 1969, ठीक है। किसने दिया, आर एच विटेकर, ठीक है। एंड इट इज बेस्ड ऑन, अब इसके कितने क्राइटेरिया थे देखो, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। अब देखो पांच क्राइटेरिया है, ठीक है, अभी कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से इंपॉर्टेंट नहीं मैं बताता हूँ। अभी देखो सबसे पहला क्या, सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर को हमने क्या बोलता, सेल टाइप, मतलब क्या प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए, राइट। सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, अलग अलग कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। उसके बाद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को ही हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। अभी देखो एग्जाम में ऐसा अगर क्वेश्चन आया कि फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पे ज्यादा बेस्ड था, ठीक है, सो इट इज बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, और वी कैन से सेल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। अगर अगर मॉडिफिकेशन करके अगर क्वेश्चन आया, मॉडिफाई करके अगर क्वेश्चन दिया, तो ये तीन क्राइटेरिया लिखना, ठीक है। अगर ये भी अगर ऑप्शन है तो इसको भी टिक कर देना, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया नहीं है लेकिन बाहर से क्वेश्चन आ सकता है, राइट। अभी देखो अब हम लोग इसका है ना एक डायग्राम अच्छे से देखते हैं, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी फटाक से। नाउ फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो चार्ट बताने वाला था मैं, ये जो चार्ट है वो देखो। अभी देखो सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर में क्या दिया था मैंने, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ठीक है। देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता था, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। ऑफिस से मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, ठीक है, सॉरी तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला आउटोट्रॉपिक, आउटोट्रॉपिक मतलब क्या कि जो खुद का खाना खुद बनाते हैं उसको हम बोलते हैं आउटोट्रॉपिक, ठीक है। सो हेटरोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक मतलब क्या कि जो भी एनिमल्स या जो भी ऑर्गेनिजम्स फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, हेटरोट्रॉपिक। और सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक मतलब क्या कि जो भी ऑर्गेनिजम्स या जो भी एनिमल्स या सॉरी जो भी फंजाई डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए उसको हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक, ठीक है। सो सैप्रोफाइटिक मतलब क्या, लिविंग ऑन डेड मैटर्स, ठीक है, लिविंग ऑन डेड मैटर। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या कि जो खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ठीके? और ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या, दूसरे के ऊपर डिपेंड है, राइट। अभी देखो सेल स्ट्रक्चर के बारे में देखा हमने, अभी देखो कि जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उसको हमने किस में रखा था, किंगडम मोनेरा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हूं मैंने किंगडम मोनेरा, राइट। जो भी यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, वापिस से बोल रहा हूँ क्या,
यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, ठीक है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर को हमने किस में रख दिया, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक को हमने किंगडम मोनेरा में रख दिया, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर को हमने किस में रख दिया, प्रोकैरियोटिक में रख दिया, और यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर के हमको तीन ग्रुप्स मिले या तीन किंगडम मिले, दैट इज व्हाट, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया और किंगडम फंजाई, ठीक है। सो किंगडम प्लांटी, एनिमलिया, फंजाई, क्लियर है। देखो कौन से, मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक है, ठीक है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक है, राइट। अब इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो किंगडम प्लांटी है, प्लांटी ये क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, मतलब खुद का खाना खुद बना सकते हैं, राइट। उसके बाद किंगडम एनिमलिया क्या है, हेटरोट्रॉपिक है, ठीक है, एनिमल्स एक्चुअली दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड हो सकते हैं, कौन, एनिमल्स, एनिमल्स प्लांट्स को भी खा सकते हैं, एनिमल्स एनिमल्स को भी खा सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि हेटरोट्रॉपिक है, दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। फंजा, फंजा क्या है, सैप्रोफाइटिक है, मतलब लिविंग ऑन डेड मैटर, ठीक है, डेड मैटर के ऊपर लिविंग होता है। ये हम एक्चुअली डिटेल में देखेंगे कैसा लिविंग होता है, क्या लिविंग होता है, ठीक है। अब थोड़ा इसके इकोलॉजिकल रोल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है, इकोलॉजिकल रोल। अभी देखो जो किंगडम प्लांटी होगा वो होगा प्रोड्यूसर, क्या होगा, प्रोड्यूसर, ठीक है। सो इट इज प्रोड्यूसर, व्हाट इज मीन बाय प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करने वाला उसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर, ठीक है। उसके बाद जो किंगडम एनिमलिया होगा वो होगा कंज्यूमर, क्या होगा, कंज्यूमर, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय कंज्यूमर, जो उसको खाने वाला होगा, क्या बोलते, खाने वाला, क्या बोलेंगे उसको, कंज्यूमर, ठीक है। और किंगडम फंजाई होगा वो होगा हमारा, वी कैन से डिकम्पोजर, क्या होगा, डिकम्पोजर, ठीक है। सो जो भी कंज्यूमर को डिकम्पोज करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, किंगडम फंजाई, या बोलेंगे डिकम्पोजर, ठीक है, डिकम्पोजर, राइट। सो डिकम्पोजर मतलब क्या, प्रोड्यूसर मतलब क्या, फूड प्रिपेयर कर रहा है, कंज्यूमर मतलब क्या, वो फूड खा रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज मीन बाय डिकम्पोजर, वो डिकम्पोज, जो एनिमल्स है उसके बॉडी के ऊपर बैक्टीरिया के फॉर्म में या फंजाई के फॉर्म में रहकर उसको डिकम्पोज कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, डिकम्पोजर्स, ठीक है। ये हो गया फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हर एक पॉइंट करना है आपको, और हाँ कि आपको एनसीईआरटी अच्छे से करना है, ठीक है। सो आपको नोट्स जो है, मैं गारंटी देता हूं कि आप अगर ये नोट्स कर लोगे, आई मीन अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, तो आपको एनसीईआरटी और नोट्स, ठीक है, ये दो अच्छे से अगर हो जाएगा, तो किस टाइप का भी क्वेश्चन आया तो आपका, आई मीन ऐसा फेल नहीं होगा वो क्वेश्चन, ठीक है। सो यू कैन अटेन, राइट। सो ये है हमारा फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम देखने वाले थे थोड़ा थ्री डोमेन, या हम उसको क्या बोलते थे, फाइव सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। नाउ सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑल्सो नोन एज व्हाट, थ्री डोमेन, सॉरी वी कैन से थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम उसको बोल सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो देखो थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कार्ल उज ने दिया था, किसने दिया था, कार्ल उज ने, ठीक है। अब एक्चुअली जो कार्ल उज था उसका मानना क्या था कि हाईएस्ट कैटेगरी जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है, वो किंगडम नहीं है, डोमेन है, ठीक है। उसका क्या मानना था, हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज व्हाट, डोमेन। लेकिन अपन क्या मानते हैं कि हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज व्हाट, किंगडम, ठीक है। लेकिन उसका क्या मानना था, डोमेन था, ठीक है, इसलिए उसने ये थ्योरी दिया था, राइट। अभी देखो उसने एक्चुअली तीन डोमेन में डिवाइड किया था फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। देखो क्या कि डोमेन आर्किया, डोमेन यू बैक्टीरिया और डोमेन यू कैरिया, वापिस से क्या, डोमेन आर्किया, डोमेन यू बैक्टीरिया और डोमेन यू कैरिया, ठीक है। सो डोमेन यू कैरिया में उसने जितने भी यू कैरियोट्स है उसको रख दिया, ठीक है। सो ऑल यू कैरियोट्स, ठीक है, जितने भी यू कैरियोट्स थे उसमें रख दिया, जैसे कि क्या, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा क्या है रे, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, मतलब यूकैरियोटिक है, ठीक है। सो यूकैरियोटिक, दूसरा क्या रे, किंगडम प्लांटी यूकैरियोटिक है, राइट। सो किंगडम एनिमलिया यूकैरियोटिक है, राइट। उसके बाद क्या, किंगडम फंजाई, वो भी क्या है, यूकैरियोटिक। उसके बाद क्या, किंगडम मोनेरा, नहीं, ठीक है, किंगडम मोनेरा क्यों नहीं, क्योंकि वो क्या है रे, वो है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। सो उसने क्या किया कि बाद में जितने किंगडम मोनेरा अलग से निकाल लिया, ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान दो क्या कि किंगडम मोनेरा अलग से निकाल लिया, और किंगडम मोनेरा में से जितने भी आर्की बैक्टीरिया थे, वापिस से
किंगडम मोनेरा में से जितने भी आर्की बैक्टीरिया थे उसको एक स्पेशल किंगडम दे दिया, दैट इज व्हाट, डोमेन आर्किया। ठीक है, सो डोमेन आर्किया में उसने क्या किया था, जितने भी आर्की बैक्टीरिया थे वो डाल दिए थे, और बचा हुआ किंगडम मोनेरा था वो किस में रख दिया, डोमेन यू बैक्टीरिया। ठीक है, वापिस से बता रहा हूँ, ध्यान देना। देखो, किंगडम मोनेरा था, किंगडम मोनेरा में से उसने जितने भी यू आई मीन आर्की बैक्टीरिया है, ठीक है, सो आर्की बैक्टीरिया निकाल दिए और किस में रख दिए, डोमेन आर्किया में रख दिए, और उसको क्या नाम दिया, किंगडम आर्किया, राइट। सो उसके बाद जो जैसा कि वैसा किंगडम आर्किया निकालने के बाद जैसा के वैसा जो किंगडम मोनेरा बचा था वो किस में रख दिया, डोमेन यू बैक्टीरिया में। ठीक है, डोमेन यू बैक्टीरिया। तो ये हुआ हमारा सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और यहाँ हमारा खत्म होता है टाइप्स ऑफ किंगडम सिस्टम ऑफ टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, इसके बाद एक्चुअली हम देखने वाले मोनेरा, राइट। सो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किंगडम मोनेरा। ठीक है, थैंक यू सो मच।